हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, अब आप लोग हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर हमें फॉलो करने के लिए मैंने इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग वहां से क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को हमारे लेटेस्ट कोर्स जो कि आप लोग की UP SSSC, CTET, UP TET एंड अदर स्टेट टेट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट कोर्स आप लोग को हमारे अनअकैडमी पर मिल जाएंगे और आगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ फॉलो ऑन BSA ट्रिकी क्लासेस ऑन अनअकैडमी, ठीक है? तो हेयर यू विल गेट गुड कंटेंट विद नो एड ब्रेक्स एंड स्पेशल कोर्सेस ऑन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर रीजनिंग का आज हमारा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लिए हैं, जो कि आप लोग के इस मंडे परिषद, लेखपाल, चकबंद अधिकारी और RRB NTPC के लिए सहायक रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। तो मान के चलिए दोस्तों, जो भारी सिक्के हैं वही आप लोग के मूल्यवान हैं, चाहे भारी हो चाहे मूल्यवान हो, मतलब आप लोग चल मान लीजिए कि वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि राम का सिक्का जो है मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो राम का सिक्का जो हो गया मोहन से भी भारी हो गया और रमेश के सिक्के से भी अधिक मूल्यवान हो गया, मतलब राम का सिक्का दोस्तों यहाँ पर महान हो गया इस टाइम, और सबसे ऊपर राम का सिक्का इस टाइम, ठीक है? क्योंकि मोहन के सिक्के से भारी है, तो भारी है मतलब मूल्यवान हो गया, और रमेश के सिक्के से मूल्यवान है, मतलब अभी ये दोनों से ऊपर है, ठीक है? आपको बताना क्या क्वेश्चन है, सबसे मूल्यवान कौन सा है, जो सबसे भारी होगा वही सबसे मूल्यवान होगा। चलिए अगला स्टेप पढ़िए, क्या रखा है? नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो नरेश का सिक्का जो है पढ़िए, राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है लेकिन योगेश से हल्का है। अब नरेश का सिक्का जो है राम से तो ऊपर है लेकिन योगेश से नीचे है, आगे पढ़िए। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। रमेश का सिक्का मोहन, अब यहाँ तो ना तो रमेश है ना मोहन है, क्योंकि रमेश और मोहन ये सब नीचे आएंगे। तो सबसे ऊपर दोस्तों आप लोगों को कौन दिख गया? ये दिख गया आप लोग का योगेश। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका होगा? तो ये होगा आपका योगेश का। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते ही अपने आंसर को निकाल सकते हैं, वो भी विद इन सेकेंड्स में। तो बस आप लोग को बिल्कुल शांति से क्वेश्चन को लगाना है बिना किसी कंफ्यूजन के। और अब बात करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने जो कि आप लोग का क्रम व्यवस्था परीक्षण टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे SSC में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश जो है बाएं से 11वां है और मंगेश जो है दाएं से 17वां है। दोस्तों ये जो होता है आप लोग का लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और ये दोस्तों क्या आपका दायां साइड है, ठीक? ये साइड है आप लोग का बायां और ये आप लोग मान लीजिए दोस्तों ये आप लोग का दायां, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है? अब एक एक स्टेप पढ़ेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है? बिल्कुल ध्यानपूर्वक। तो मान लीजिए दोस्तों एक ये लाइन है आप लोग की, एक ये आप लोग को लाइन दी गई है, बच्चों के पंक्ति में हरीश जो है बाएं से 17वां है, यानी कि हरीश जो है दोस्तों बाएं से चले, तो यहाँ पर दोस्तों हरीश आपका ये खड़ा हुआ है, हरीश ये दोस्तों किस स्थान पर है? हमारा बाएं से 11वें नंबर पर है, ठीक है? बिल्कुल 11वें नंबर पे। अब आगे पढ़िए, मंगेश जो है ये दाएं से 17वां है। अगर दोस्तों इधर से चलते हुए आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 17वें नंबर पर कौन मिलेगा? ये आप लोग का खड़ा है यहाँ पर मंगेश, मंगेश जो है ये आप लोग का दाएं से 17वां है। यदि ये लोग आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले हरीश था, ठीक है, हरीश की जगह पर मंगेश आ जाए और मंगेश की जगह आप लोग का हरी आ जाए, मतलब क्या है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग का मंगेश आ जाए और यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हरीश आ जाए। अब आगे पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है, तो ध्यान दीजिए, तो हरीश जो है बाएं से 13वां हो जाएगा। दोस्तों बाएं साइड आपका यही तो है, बाएं से 13वां हो जाएगा हरीश, हरीश अब क्या यहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ से वैल्यू ये आप लोग की कितनी हो जाएगी, 13वें नंबर पर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 11 ये नंबर हो जाएगा 12 और यहाँ पर 13वें नंबर पे आप लोग का आ जाएगा हरीश, जो कि 13वां नंबर आ गया है। तो मंगेश की दाएं से नई स्थिति क्या होगी, मंगेश, मंगेश दोस्तों आप लोग का यहाँ पर है, तो दाएं से स्थिति क्या होगी, 17 दोस्तों यहाँ पर थे, ठीक है, अब एक ये नंबर 18 हो गया और ये 19 हो गया, तो मंगेश दोस्तों किस नंबर पे होगा, मंगेश आप लोग का 19वें नंबर पर है दाएं से, तो दाएं से दोस्तों किस नंबर पे है, ये आप लोग का 19 नंबर पे है, तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, 19 भी। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग के सामने, तो एक सीरीज आपको दे रखी है 138 से बना है 161, तो 144 से क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है, ओके? तो यहाँ पर आप लोग के चार ऑप्शन दिए गए हैं, 165, 166, 167, 168, तो कम से कम टाइम में आप लोग इस क्वेश्चन को लगाना है, ये आप लोग का एक एनालॉगी टेस्ट का क्वेश्चन है जो कि सीरीज से रिलेटेड नंबर सीरीज से। तो आइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का, तो दोस्तों बताइए आप लोग का यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, किसका ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या फिर डी आ रहा है। चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर क्या किया गया,
138 में कितने ऐड किया है कि 161 आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, 138 में इसने जोड़ दिया है 23। तो 138 में अगर आप लोग 23 को ऐड करेंगे तो आप लोग आ जाएगा 161, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 144 में अगर आप लोग 23 प्लस कर दोगे तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 167। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सी वाला, दैट्स राइट। ओके चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब आप लोग लगा कर देखिएगा। देखिए यहाँ पर 16 दिया, उसके बाद 16 से बनाया 22, फिर दिया 36, 36 से क्या आएगा 46, 44, 24 या फिर 26। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। ओके तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से क्या किया गया, देखिए 16 है, 16 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर होता है आप लोग का 16, ठीक। बस आपको क्या करना है दोस्तों, 16 को लिखा है इसने 4 का स्क्वायर, तो 16 में आगे ये और ऐड कर देंगे आप लोग का, क्या है 4 है और ये 2 है, तो 4 प्लस 2 अगर मिलाकर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप लोग को यहाँ पर भी करना, 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 36 में 6 और 2 यानी कि 8 और जोड़ देंगे, तो 36 और 8 आप लोग का हो जाएगा 44। तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, ये आएगा बी वाला। तो कैसे भी लॉजिक लग सकता है इसमें, ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आप लोग को लॉजिक को समझना है। अगर आप लोग इस टाइप का लॉजिक अगर आपके एकदम माइंड में नहीं आता है तो सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि कुछ टाइम के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़कर आप लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन लगाइएगा, जिससे कि आप लोग का टाइम बच सके और आप लोग जो पहले आपको आते हैं भली भांति सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को लगाइएगा। अगर क्वेश्चन में आप लोग हिलग रहे हैं तो उस पर टाइम बिल्कुल वेस्ट ना कीजिएगा, यही एक अच्छी रणनीति होती है, ठीक है। पहले जिसको मार सकते हो बिल्कुल उसको मार दो, और उसके बाद जो बचे, और अगर आप लोग के पास टाइम हो तो बिल्कुल तब आप लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है 149 का बनाया है 238, तो 159 का क्या हो जाएगा, 248, 261, 169 या फिर 268। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आप लोग बड़े ही आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए कोशिश कीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, अब की बार लॉजिक थोड़ा सा लग रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए 149 से 159 करने के लिए 10 जोड़ दिया इसमें, सिर्फ 10 ऐड कर दो, 238 में 10 अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 248 बन जाएगा। तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए वाला, क्लियर है। चलिए अब आप लोग इसमें माइंड लगाइए क्या है, देखिए 123 से बनाया 4, तो 726 से आप लोग का क्या आएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लॉजिक लग रहा है आपका यहाँ पर। ओके चलिए कोशिश कीजिए आप सभी लोग मिलकर। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये 12 लिखा है, 12 को अलग तोड़ लिया इन लोगों ने, ठीक है। ये 12 है, 12 कैसे लिखा, और ये 3 और 4 था, यहाँ लिखा 3 × 4, तो 3 × 4 बराबर क्या होगा, 4 × 3 = 12। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग 72 को लिख लीजिए, 72 बराबर लिखा दोस्तों 6, तो 6 की मल्टीप्लाई किससे कराएं कि हमारा 72 आ जाए, तो 6 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 12 से कराएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 12। तो कैसे भी लॉजिक लग सकते हैं, कोई इसका पता नहीं, कैसे भी कोई भी लॉजिक आप लोगों से लगा सकते हैं, और उसके बाद ही आप लोग को क्वेश्चन को लगाना है। ओके तो ये थे कुछ जो अलग टाइप के क्वेश्चन थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी जो है आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताना चाहिए कि अब सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल जो है हार्ड हो चुका है। और जिस तरीके से दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए दोस्तों जो हमारा कॉम्पिटेटिव जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो चुका है, ठीक है। तो हाई हो चुका है, तो इसलिए दोस्तों इस टाइम सिर्फ जॉब उसे ही मिल रही है जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर जिन्हें बहुत कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें जॉब नहीं मिली है तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो है ख़त्म हो गई, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ढंग से पढ़ रहे हैं तो फिर ये श्योर रहिए कि आप लोग का ये पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, बस आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। और यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक क्लियर ना हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिए। ओके तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए, और कम से कम वीडियो को दोस्तों आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो इतना आप लोग सपोर्ट कीजिए कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए, हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। अगर आप लोग को हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो
फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।